नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। आज के दिन में सोशल मीडिया पर एक्टिव होना कोई बड़ी बात नहीं है। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। सारे लोग स्मार्टफोन के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसी जुड़ाव में कई चीज़ें हैं जो सामने आती हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको परेशान कर देती हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपके जेब से पैसा निकाल लेती हैं आपसे। एक तरह से कहा जाए तो आपको ऐसी परिस्थिति में ला दिया जाता है कि आपको पैसा देना आपकी मजबूरी बन जाती है। अभी तक आपने एक्सटॉर्शन वर्ड सुना होगा, एक्सटॉर्शन के जरिए लोग पैसा वसूलते हैं, मगर अब नया मामला, नई चीज़ सामने आ रही है, वो है सेक्सटॉर्शन। क्या है ये सेक्सटॉर्शन, हम आपको पूरी बात बताएंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको देखना होगा, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप कोई बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आपकी ड्रीम गर्ल बनकर कोई आपके सामने आ सकती है, कोई आपको प्यार जता सकती है, आपका प्यार मांग सकती है, लेकिन बाद में आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। अगर आप सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव हैं तो आपको कोई लड़की, कोई ड्रीम गर्ल आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगी। उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को आपने जब रिसीव किया और आप उसके दोस्त बनते हैं तो फिर आपकी बात उस लड़की से होती है। ये एक बड़ा मामला है और ये लगातार बड़े बड़े महानगरों में होता आ रहा है, मगर अब इसने बिहार में भी कदम रख दिया है और पिछले कुछ महीनों से बिहार में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। क्या है पूरा मामला, हम आपको पूरी बात बताएंगे। आप गौर से इस वीडियो को देखिए और समझिए कि आप कभी इस मुश्किल में ना पड़ जाएं, इस मुसीबत में ना पड़ जाएं। तो आपको हमने जैसा बताया कि फेसबुक के जरिए कोई लड़की आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, आप लड़की की आईडी देखकर आप उसे उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप उससे बात करते हैं और बातों ही बातों में वो आपसे आपका व्हाट्सएप नंबर मांगती है या फिर आपको फेसबुक पर ही वीडियो कॉल करती है। हो सकता है कि वो आपसे व्हाट्सएप नंबर मांगे, व्हाट्सएप नंबर अगर आपने अपना दे दिया तो वो आपको वीडियो कॉल करेगी और वीडियो में वो आपसे बात करते करते आपकी उत्तेजना बढ़ा सकती है, आपके सामने वो न्यूड भी हो सकती है। तो ये बड़ा मामला सामने आ रहा है कि लड़की इस तरह से बात करती है कि वो सामने वाले को भी एक तरह से कहा जाए कि उत्तेजक करती है, और उसके बाद कोशिश उसकी यही होती है कि जैसे उसने न्यूड वीडियो आपको दिखाकर आपका भी कपड़ा उतरवा दे और आपकी वैसी गंदी तस्वीर वो लेकर फिर आपको ब्लैकमेल करेगी। तो ये एक बड़ा मामला लगातार आ रहा है और इसकी चपेट में युवा भी आ रहे हैं, बड़े उम्र वाले भी आ रहे हैं। तो होशियार होने की ज़रूरत है कि कहीं आपकी इस तरह की मनोवृत्ति का कोई नाजायज फ़ायदा ना उठा ले और आपकी जेब के पैसे आपसे ज़बरदस्ती वसूले जाएं। वो ऐसे कि जब आपकी वो तस्वीर ले लेगी आपसे बात करते हुए वीडियो उसकी, अगर वो आपकी उन तस्वीरों को फिर वो आपको भेज कर आपसे एक तरह से कहा जाए कि ब्लैकमेल करेगी। तो ये हो रहा है और इसमें कई लोग, यहाँ तक के बड़े, इसमें स्टूडेंट से लेकर अधेड़ उम्र के लोग भी इसमें फंस रहे हैं। ऐसी शिकायतें, कई शिकायतें थाने में आई हैं, तो कई शिकायतें ऐसी हैं जो एक तरह से कहा जाए कि रिटेन नहीं है, मगर कई ऐसे लोग इसके शिकार हुए हैं कि लड़की जब उनसे बात करती है, उनसे वीडियो कॉल करती है, वीडियो कॉल में वो अपने कपड़े उतारती है और आपको भी इस तरह की स्थिति में ला देती है कि आप भी अपने कपड़े उतार देते हैं और फिर वो उन तस्वीरों को एक तरह से कहा जाए कि उसका स्क्रीनशॉट ले लेती है या फिर उसका वीडियो बना लेती है और उसके बाद उन तस्वीरों को वो आपको भेज कर ये धमकी देती है कि अगर आपने उसे पैसे नहीं दिए तो वो इसे लीक आउट कर देगी, वो इसे सोशल मीडिया पर डाल देगी। और इस तरह की बातें लगातार आ रही हैं और लगातार हो रही हैं। फिर जाहिर है कि ऐसी स्थिति में लोग फिर पैसा दे देते हैं और फिर लड़की से जान छुड़ाने के लिए वो उससे हाथ पांव जोड़ते हैं और जो वो रकम मांगती है उसे देते हैं। ऐसा मामला मुजफ्फरपुर में भी आया है, ऐसा मामला पटना के राजीव नगर में भी आया है, जहां एक छात्र ने 10,000 रुपये दिए अपने इसी तरह की तस्वीर से अपना नाम बचाने के लिए। तो ये एक बड़ा मामला है। क्या कुछ होता है हम आपको बता रहे हैं इसमें। जैसे लड़की कोई फेक आईडी से आपको अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, फिर आपसे वीडियो पे बात करती है और इन सब का वो एक तस्वीर आपको
देकर ब्लैकमेल करती है। तो इस तरह की चीजों से सावधान रहें। अगर आपने जरा सी चूक की, आप जरा सा बहक गए, तो समझिए कि आपकी जेब भी गई और आपकी इज्जत भी गई। तो ये एक बड़ा मामला है और लगातार आ रहा है। इस पर जरूरत है ध्यान रखने की, इस पर जरूरत है कि ऐसी कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आए आपके फेसबुक पेज पर तो आप उसे रिसीव ना करें, आप उसको एक्सेप्ट ना करें। अगर आप अपना नंबर देते हैं तो वीडियो कॉल रिसीव करने से पहले होशियार हो जाए कि कहीं ये ड्रीम गर्ल बनकर आपके उन ड्रीम पर पानी ना फेर दे जो आपका सपना है, जो आपने बैंक में पैसा जमा किया है। कहीं ऐसा ना हो कि वो पैसा ये लड़की आपकी मजबूरी का फायदा उठाकर आपसे छीन ले। तो होशियार रहिए और हमारे साथ बने रहिए। हम आपको लगातार अवेयर करते रहेंगे, हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।